अभी ये मैं अपने से शोशे नहीं मारा, ये प्रॉपर मैं मार्केट जाके सर्च आउट करके आया हूँ, और ये मैंने अपने पास से सारी प्राइस टैग लिखी हुई भी है और ऑनलाइन प्राइसिंग भी देखी है मैंने, ऑनलाइन क्या चल रही है, मार्केट में क्या चल रही है और ब्रांड क्या दे रहा है। ब्रांड ये वाली प्राइस दे रहा है, मार्केट जो है वो 65-70 दे रही है, ठीक है, जिसका जहाँ आ रहा है बस लगाए जा रहे हैं हम लोगों को यार। अस्सलाम वालेकुम जी। तो बहुत सी सर्च करने के बाद आज मैं कुछ ऐसे मोबाइल लेके आया हूँ, पांच ऐसे मोबाइल लेके जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडेबल हैं, लेकिन प्राइस टैग इनकी जो है बहुत ज़्यादा अजीब हुई हुई है। क्यों? क्योंकि यार हमारे मार्केट में जो है ना शहजादे जो बैठे हुए हैं, माशाल्लाह कुर्बान लगे बंदा इन पे, इन लोगों ने प्राइस टैग आसमानों पे चढ़ाई हुई है, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डू, मोबाइल जो मैंने आज नोट किए हैं आपके सामने, जो सर्च आउट की है कल से आज तक, तो वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो लिस्ट पे है इन्फिनिक्स नोट 30 है, जैसे कि आपको पता है कि नोट 30, नोट 30 प्रो एंड नोट 30 VIP। VIP को तो रहने ही दो भाई मेरे, अभी नोट 30 और नोट 30 प्रो पे बात करते हैं। नोट 30 एंड नोट 30 प्रो जो है वो एक ही वेरिएशन में लॉन्च हुए हैं, 256 8 GB जो एक्सटेंडेड रैम है। बाकी ओवरऑल इसके जो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्फिनिक्स नोट 30 की जो रियल प्राइस है वो 53,999 है, मतलब 53,999, मतलब एक रुपया कम है चौवन को, तो 54,000 rupees। मार्केट में इसकी प्राइस क्या चल रही है? मार्केट में इसकी प्राइस मिनिमम जो है वो चल रही है जी 56,000 से लेके 65 तक भी जा रही है, ठीक है, ये ज़रा माइंड में रखना है आपने। उसके बाद आता है नोट इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो। अब नोट 30 प्रो जो है वो 60,999, मतलब कि 61,000 rupees का मार्केट में अब इसकी प्राइस आई है, ऑफिशियली जो लॉन्च हुई है कंपनी की तरफ से, लेकिन मार्केट में ये बिक रहा है 70, 75, 80, 85 इतने का ये बिक रहा है, 256 8 GB रैम के साथ आ रहा है। सवाल ये है कि यार हम लोग इतने जो ये ब्लैक में बेच रहे हैं तो हम लोग ख़रीदें क्यों? हालांकि लॉन्च हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, डिटेल आ चुकी है, लेकिन हम लोग क्यों ख़रीदें भाई? हमारा दिमाग तो ख़राब नहीं है कि हम इतने महंगे महंगे जो मोबाइल्स हैं वो और महंगे ख़रीदें? जब हम सेल करने जाते हैं तो हमने अगर 80 का लिया, 70 का लिया, तो ज़ाहिर सी बात है हमें ऊपर वाले 10,000 तो गए बारोबार, नुकसान हो गया हमें। बाकी अगर वो लेता है तो आई थिंक सो, अगर 61 का है तो आपने अगर डब्बा जो उसका खोल दिया तो वो ऑलमोस्ट 40-45 का आ जाएगा, मतलब कि दुकान वाले तो ऐसे ही करती हैं कि बस डब्बा खोलो आ जाओ तो 45 जी इतने का ही लेंगे हम लोग, हम लोग नहीं ले सकते इतने का, लेकिन वो गधे के बच्चे आगे बेचते पूरे रेट में ही हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपसे अगर साफ मोबाइल लेते हैं ना, डब्बा चार्जर सब कुछ लेके वापस पैक करके ऊपर से जो रैपिंग होती है उसकी दोबारा रैप करके वो लोग उसी प्राइस रेट में बेचते हैं जो कि आप 70 का या 75 का आपको दिया हुआ है, ऐसे करते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि भाई आप गए सेकेंड हैंड में लिया और बस वो कर दिया ना भाई, कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता ना, तो वो दोबारा री सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ इस तरह का सिनेरियो उनका होता है, वो करते हैं, तो जिसकी वजह से दोबारा उसको रीसेल करते हैं एज अ ब्रांड न्यू बना के। लिस्ट में जो तीसरा मोबाइल है वो टेक्नो कैमन 20 का है। जैसे कि आपको पता है कि टेक्नो कैमन 20 न्यू आया हुआ है आजकल, तो टेक्नो स्पार्क सीरीज भी आई हुई है, आईफोन जैसी बड़ी कमाल की सीरीज है। टेक्नो कैमन 20 का जो है वो 59,999, मतलब के 60,000 rupees कह सकते हैं कि आया, ये 256 प्लस 8 GB रैम में आया है। इसकी प्राइस आपको पता है क्या चल रही है मार्केट में इस टाइम? इसकी प्राइस भी अबव 65-70 चल रही है। अभी ये मैं अपने से शोशे नहीं मार रहा, ये प्रॉपर मैं मार्केट जाके सर्च आउट करके आया हूँ, और ये मैंने अपने पास से सारी प्राइस टैग लिखी हुई भी है और ऑनलाइन प्राइसिंग भी देखी है मैंने, ऑनलाइन क्या चल रही है, मार्केट में क्या चल रही है और ब्रांड क्या दे रहा है। ब्रांड ये वाली प्राइस दे रहा है, मार्केट जो है वो 65-70 दे रही है, ठीक है, जिसका जहां आ रहा है बस लगाए जा रहे हैं हम लोगों को यार। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आप लोग खरीद क्यों रहे हो? आपका दिमाग ठीक है यार? इतने महंगे हैं, हम लोग जब खरीद रहे हैं तो वो बेच रहे हैं ना, जब हम खरीदेंगे ही नहीं तो वो बेचेंगे। अजीब गरीब ड्रामा बना हुआ है यार। अब मैं अपना बता दूं, मैंने परचेज करना था इन्फिनिक्स, ये पहले टेक्नो सीरीज स्पार्क सीरीज जो इनकी आई है, स्पार्क 10 सीरीज जो आई हुई है, स्पार्क 10 प्रो जो है आईफोन जैसा, वो मैंने ख़रीदना था, ठीक है। मैं मार्केट गया जी, मैंने बोला ये मुझे चाहिए, तो उनके पास तो पहले वेरिएशन ही कम थे, तो आई थिंक सो 7 GB 864 था, 7 में से भी 3 GB आई थिंक सो उसकी रैम थी, तो वो मुझे दे रहा है भाई आप इसको 35,000 में ले लीजिएगा। मैं हक्का बक्का रह गया यार, ये क्या बंदा बोलने लगा हुआ है यार, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव यार मोबाइल वो लोग दे रहे हैं, अल्लाह जाने आगे पाकिस्तान का आखिर होगा क्या। तो टेक्नो स्पार्क सीरीज़
जो 128 8 GB के साथ आ रही है, ये मिलती है जी। इसका जो कंपनी रेट है 33,600 है, ठीक है, लेकिन मार्केट से आपको ये 40 का मिलेगा। आइडिया लगा लो प्राइस टैग की कि कितने का कौन सा मोबाइल कब मिल रहा है। उसके बाद फिर लास्ट मोबाइल जो Xiaomi का Redmi Note 12 है, ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन यार ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं। Redmi के जो मोबाइल हैं ना, वही चीज़ आपको Infinix की तरह कम में मिल रही होगी, Redmi की काफ़ी हैवी प्राइस में मिल रही होगी। अब 6 GB 128 रोम में आपको मिल रहा है 64,999, 8 GB 128 में मिल रहा है 79,999, मतलब कि 80,000 में मिल रहा है, और दूसरा जो वो 65,000 का मिल रहा है। लेकिन मार्केट से आपको जो 6128 वाला है वो आपको 70 के आसपास मिल रहा है, 70 से ऊपर भी जा रहा है, और जो 8128 है वो आपको 85,900 तक मिल रहा है। कहने का ये मकसद है कि जस्ट एक Infinix नहीं है, ओवरऑल जितने भी मोबाइल्स हैं सब के सब ही एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। अब कंपनीज को इसके बारे में देखना चाहिए कि आखिर ये सीन हो क्या रहे हैं यार। इसको कम से कम हम देख तो सकते हैं कि कौन बंदा कितने का बेच रहा है, क्योंकि मेन बड़े सप्लायर्स होते हैं ना, यही जो होते हैं, यही आपका जो मोबाइल्स होते हैं इनके रेट्स बढ़ा रहे होते हैं। तो आगे जो छोटे रिटेलर्स होते हैं, ये बेचारे जो होते हैं, इनका तो कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि इन्हें पीछे से बैक हैंड से ही इतने एक्सपेंसिव पड़ रहे होते हैं। अब बड़े होलसेलर है, लाइक करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो मोबाइल फोन उठा लेते हैं और फिर आगे एक्सपेंसिव बेचते हैं। मतलब कि मोबाइल, एक मोबाइल है Infinix Note 30, 53,999 इसकी प्राइस है। अब ये लोग उठाएंगे बिल फर्स 48,000 का, ठीक है, 48,000 के हिसाब से ही लोग बहुत से मोबाइल उठा लेंगे, लाइक 1000 पीसेस या 1500 या 2000 जितने भी इनकी कैपेसिटी बनती है, इतने पीसेस उठा लेंगे, मतलब बड़े होलसेलर्स की बात करूं। आगे जब मोबाइल लॉन्च होने का टाइम आता है, ब्लैक में कर लेते हैं, मतलब ये बोलते हैं यार मोबाइल्स आ नहीं रहे कंपनी की तरफ से, हालांकि कंपनी भेज रही होती है, तो कंपनी की तरफ से आ नहीं रहे मोबाइल, ये है वो नहीं है, ऐसे स्टोरी सुनाने शुरू हो जाते हैं जो आगे रिटेलर्स हैं जो होलसेल प्राइस में लेकर आते हैं, उनसे उन्हें ये लोग दे रहे होते हैं 53,000 रुपीस का, ठीक है। ये मैंने अभी जो मार्केट गया हूँ वहाँ से तकरीबन दो तीन रिटेलर्स जो हैं उनसे मैंने बात करी, बोले यार ये सिनेरियोज हमारे साथ हो रहे होते हैं, तो हम क्या करें। अब वो मोबाइल लाते हैं तीन पीसेस, दो पीसेस, चार पीसेस, इतने मोबाइल लाते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा होता है, क्योंकि आगे जो Infinix के होलसेलर डीलर हैं वो यही सारे मोबाइल Infinix, टेक्नो, रेडमी, जितने भी हैं, ओप्पो, जो भी आ रहे होते हैं, सब के सब जो मोबाइल्स हैं जिनको ये लोग जो हैं एक्सपेंसिव बेचते हैं, ये जो होलसेलर्स हैं। अब ये बड़े होलसेलर्स जो कि करोड़ों का मोबाइल फ़ोन उठाते हैं कंपनी से, हर कंपनी का कोई ऐसा बंदा तो है जो कि इनके साथ डील करता है, और उसे पता होता है कि यार ये बंदा है इतने का सेल आउट कर रहा होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, पैसे दे के चुप करवा दिया जाता है कि यार ये तू भी अपना हिस्सा ले ले मेरी जान, तू क्यों टेंशन ले रहा है, पाकिस्तान है, चलता है सब कुछ यहाँ पे। तो ऐसे सीन हो रहे हैं जो रिटेलर्स हैं बेचारे, छोटे रिटेलर्स उनकी बात करूँ, ये भी इन्हें भी एक्सपेंसिव पड़ रहा है, ये आगे क्या करें। तो कहने का मतलब ये है, हर तरफ से ही ना पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद हुआ हुआ है, और ये सिनेरियोज हैं। हम क्या कर सकते हैं इस सिनेरियो में, हम मोबाइल ख़रीदना बंद कर सकते हैं। जब मोबाइल ही नहीं खरीदेंगे तो होलसेलर से रिटेलर नहीं उठाएंगे, जब रिटेलर नहीं उठाएंगे क्योंकि उनका आगे वाला जो मोबाइल फ़ोन है माल है वो बिक ही नहीं रहा, जब बिक नहीं रहा तो न्यू वाला नहीं उठाएंगे, जब न्यू नहीं उठाएंगे तो पड़े पड़े वहाँ पे जंग लगना शुरू हो जाएगा उन्हें। जंग से मतलब ये कि अब न्यू मॉडल्स आ रहे होते हैं आगे, तो पुराने वाले जो हैं उन्हें फिर इतना वैल्यू कोई नहीं करता, और जब उन्हें वैल्यू कोई नहीं करता वो जाहिर सी बात है फिर उन्हें जो कम प्राइस टैग में उठाए होते हैं वो 500,000 रुपये रख के भी आगे फिर देते हैं, और आगे जो रिटेलर्स हैं फिर आपको अच्छे मुनासिब कीमत में दे देते हैं। तो होप सो आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि ये आखिर सीन क्या हो रहे हैं। यार इतना तो कन्फर्म है, कंपनी को उन होलसेलर्स का पता है कि वो होलसेलर जो हैं वो इतना एक्सपेंसिव हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जब उन्हें पता है तो यार उन्हें क्यों पकड़ नहीं रहे हैं, वो क्यों एक्सपेंसिव बेचना, मतलब अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव दे रहे हैं क्यों? क्योंकि यार उनकी एक मोबाइल की हाइप क्रिएट हो रही है, जब हाइप क्रिएट हो रही है तो लोग ज़्यादा इसको परचेस करेंगे, जब ज़्यादा परचेस करेंगे तो अबव लेवल पे ही करेंगे, तो वो अपनी मनमानियाँ कर रहे होते हैं। तो बस दैट्स द रीज़न मेरी जान, ये सीन चल रहे हैं, ये सिनेरियो चल रहे हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो, तो होप सो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।